एक तरफ देश में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है, कोरोना पर काबू पाने के लिए देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार में क्वारंटाइन सेंटर बंद किए जा रहे हैं। दरअसल बिहार में बाहर से आने वाले लोगों के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे उन्हें 15 जून से बंद किया जा रहा है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश जो कि 31 मई को जारी किया गया था कि आलोक में बिहार के 534 प्रखंडों के 15,000 से अधिक क्वारंटाइन कैंप को कल से बंद किया जा रहा है। 31 मई को बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि श्रमिक स्पेशल को छोड़कर बाकी ट्रेनों से आने वाले कैंपों में नहीं रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाए गए इन कैंपों में 15 लाख से अधिक लोगों को रखा गया था। यहाँ रहने वाले लोगों को सरकार की तरफ से भोजन पानी से लेकर जरूरत के सामान तक मुहैया कराए जा रहे थे। नए नियमों के तहत बिहार सरकार भले ही क्वारंटाइन केंद्र बंद कर रही है लेकिन बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम जांच की जाएगी, साथ ही सर्वे का भी सहारा लिया जाएगा। जो लोग बाहर से बिहार आएंगे उनके लिए होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी तरह के खतरे को तुरंत दूर किया जा सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।